राम का जो स्वरूप है उसके लिए कहा निर्गुणस्ट सरगुणस्ट जो निर्गुण है जो सरगुण है जो अक्षर अतीत है पर अक्षर है और अक्षर में भी निरक्षर है क्षर मैंने जो मर जाए और अक्षर माने जो कभी ना मरे अक्षर माने जो समाप्त हो जाए अक्षर मतलब जो कभी समाप्त ना हो क्षर मतलब जो परिवर्तनशील है अक्षर मतलब जो अपरिवर्तनशील है उस अपरिवर्तनशील को हम राम कहते हैं उस अपरिवर्तनशील को राम कहते हैं और राम कौन है राम वेदांत कहता है ज्ञान कहता है वो मेरा अपना निज आत्मा है जो मेरा ही अपना निज आत्मा है उसी का नाम राम है शंकर कौन है महादेव के रूप में जो देह है सगुन के रूप में जो एक शरीर है और आत्मा के तल पर जो निरक्षर प्रणव ब्रह्म है निरक्षर परम ब्रह्म है पर वही निरक्षर पर ब्रह्म जब माया से जुड़ता है तो उसी को हम ईश्वर कहते हैं जब वही माया रहित होता है तो उसी को हम ब्रह्म कहते हैं दोनों बातों को ठीक से समझो क्योंकि जिस तरह से आप अभी श्रवण करने जा रहे हो इस तरह से वेदांत और भक्ति का समन्वय करने वाले लोग बहुत कम है कोई किसी को जिद्द है कि वो निर्गुण है और किसी को जिद्द है वो सरगुण ही है किसी को जिद्द है कि शिव ही परमात्मा है और कोई नहीं है और किसी को जिद्द है राम ही परमात्मा है और कोई नहीं है और किसी को जिद्द है ना राम परमात्मा है ना शंकर परमात्मा है वो तो निराकार है वो तो अक्षर रूप है शुद्ध रूप है त्रिगुणातीत है तो सरगुणवादियों और निर्गुणवादियों को हमेशा विवाद रहता सर्गुण वादियों में भी राम के भक्तों का शिव के भक्तों का आपस में विवाद रहता है कौन बड़ा कौन छोटा कौन पहले कौन बाद में कौन श्रेष्ठ कौन उससे कम है परंतु सच्चाई बहुत अद्भुत है सत्य अति सुंदर और अलौकिक होता है और सत्य को छोटी बुद्धि वाले मनुष्य के लिए समझ पाना बहुत कठिन होता है जिस मनुष्य की बुद्धि सिर्फ खान पीन भोग में लगी हुई हो वो इतने गंभीर विषय को कैसे समझेगा उसके लिए कठिन है इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास को कहना पड़ा भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो यह मामला श्रद्धा का है यह मामला विश्वास का है अगर आप श्रद्धा को बीच में से निकाल देंगे अगर आप विश्वास को बीच में से निकाल देंगे तो धर्म किसके आधार पर चलेगा हमारे यहां देखा जाए तो दुनिया का कार्य व्यवहार भी विश्वास के साथ चलता आपकी माता ने कहा यह पुरुष तुम्हारा पिता है तुमने विश्वास किया या नहीं आपकी माता ने कहा यह तुम्हारे नाना नानी है तुमने विश्वास किया या नहीं आपकी माता ने कहा ये सब तुम्हारे बहन भाई हैं आपने विश्वास किया कि नहीं बाद में पता चलता कि अरे बहन तो अपनी है नहीं ये तो मौसी की बेटी है और फिर पता चला मैं भी अपने बाप का नहीं हूँ मेरे पिताजी ने मुझे ताऊ से गोद लिया था लेकिन अगर माँ कह देती है ये तुम्हारा पिता है तो बच्चा विश्वास करता है अगर वो कहे मैं तेरी माँ हूं तो ये, ये भी विश्वास का विषय है हाँ आज आप कह सकते हैं कि हम विज्ञान का सहारा लेकर के ब्लड टेस्ट करा सकते हैं जीन की मैचिंग करा सकते हैं तो पता चल जाएगा कि ये वास्तव में पिता है या नहीं है पर याद रहे जहाँ रिश्तों पे मोहर किसी साइंस लैब की आई रिपोर्ट से होने लग जाएगी वहाँ फिर किसी कागज़ पर ये लिख दिया जाएगा अगर गलती से भी कि मैंने टेस्ट रिजल्ट मिक्सअप हो गए या समथिंग तो तुम्हें तुम्हारा बाप बाप ही नहीं लगेगा तुम्हें तुम्हारी माँ माँ ही नहीं लगेगी तुम्हें तुम्हारी बहन अच्छा मां और बाप के रिश्ते में तो संभव है कि किसी ने किसी को गोद लिया हो संभव है किसी ने किसी को आ, अपने किसी रिश्तेदार से ले लिया हो परंतु जब तुम अपने लिए पति या पत्नी लेते हो तब क्या ये विश्वास का मामला है कि खून का रिश्ता या कोई ब्लड टेस्टिंग का मामला है कि हम ब्लड मैचिंग करेंगे कि इससे हम शादी करें नहीं करें जीन्स चेक करेंगे हम इससे शादी करें ना करें यहाँ फिर विश्वास आ जाता है आप चुनते हो आपको दिखाई गई कई स्त्रियां आप उनमें से परिवार ने या आपने मिलकर के चुनाव किया कि ये तुम्हारी होने वाली पत्नी है और उसको कहा ये तुम्हारा पति होगा अब ये बात सुनते ही लड़की का मन दूसरे सब लड़कों से कट जाना चाहिए टेक्निकली और लड़की का भी मन दूसरे सब पुरुषों से और लड़के का दूसरी स्त्रियों से अब मन कट जाना चाहिए कि अब तो मेरे ये पति होगा या ये पत्नी होगी तो आज से हम आपके हुए और वो कहता हम आपके हुए फिर जब पंडित विवाह कराता है तो वो चक्कर लगा करके पानी ग्रहण करके वो एक दूसरे को विश्वास का पानी ग्रहण होता है याद रहे जल का पानी ग्रहण नहीं होता कि वो कुशा या लाल धागा या एक वस्त्र सबके अलग अलग रीति रिवाज है थोड़ा बहुत चेंज है जिसमें पिता अपनी पुत्री का हाथ उस लड़के को देता है कि आज से ये मेरी पुत्री तेरी हुई और फिर दोनों का गांठ जो है वो बांध देते हैं कि आज से अब आप एक दूसरे के हुए तो ये गांठ कपड़े की बंधती है या गांठ मन के विश्वास की बंधती अगर ये रिश्ता सिर्फ कपड़े की गांठ का होता तो देखिए तुम्हारे पति खुले छुट्टे घूम रहे तुम खुली छुट्टी घूम रही हो कोई गांठ लगा करके बैठे हो क्या आप कोई कपड़ा है बीच में कोई तुम दोनों के क्या क्या है बीच में विश्वास कोई स्त्री पुरुष कितना दूर चला जाए पति कितना दूर चला जाए वो ये तो अगर सोचने लग जाए कि चलो अब ये तो गया छह महीने को बाहर अब मैं अपना वक्त कहां बिताऊं तो चलो कोई और पुरुष ले लेती हूं तो इसको हम विश्वासघात बोलते तो पति दूर चला जाए या पत्नी कहो उसके मां बाप बीमार हो गए तो वो उनकी सेवा को चली जाए तो पुरुष ये सोचता है कि मैं अब अपनी पत्नी के अभाव में कि वो दूर चली गई है मैं अपना मन कहीं अब और लगा लूँ टाइम पास तो करना है तो ऐसे में हम इसको भी विश्वास का टूट मानेंगे और ये रिश्ते फिर चलते नहीं हैं ऐसे रिश्ते टू देखिए आज अगर ज़्यादा तलाक हो रहे हैं तो उसके पीछे कारण एक ही है कि एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं रह गया चार पैसे पति के पास कम हो जाए पत्नी कहती मैं नहीं रहती पत्नी थोड़ी सी भी अस्वस्थ हो गई तो पति कहता है मैं क्यों अपना पैसा तेरे पे लगाऊं मरती मर जाए छह महीने में तो जा हमने छोड़ा तुझको तो छोटी छोटी बात पर जो रिश्ते टूटते हैं तो उसमें भी विश्वास की कमी आती है तब ऐसा होता है और ये विश्वास की ही बात है कि श्री राम और जानकी जी एक दूसरे से वर्ष भर अलग रहे हैं और हर वर्ष के हर महीने के हर हफ्ते के हर दिन और हर रात और हर दिन और हर रात के एक एक पल में एक क्षण एक में राम सीता जी को याद रखते हैं और सीता राम को याद रखती एक क्षण के लिए भी वो एक दूसरे का विस्मरण नहीं करते एक पल के लिए भी वो एक दूसरे को भुला नहीं देते चिता जलाई गई जो लक्ष्मण ने अपने हाथ से जलाई और सीता उसमें प्रविष्ट होती हैं और सीता उसमें से फिर बाहर आती हैं तो तब राम उसका विश्वास करते ये कथा आपने टेलीविजन सीरियल्स में और वो सब देखी होगी ये एक बड़ा बड़ा भारी एक आरोप है जो श्री राम के ऊपर लगाया भी जाता है पर मैं निवेदन कर देना चाहती हूँ कि रामायण में राम का जो जीवन है उसमें एक भी चीज ऐसी नहीं है जो राम अपनी मर्जी से करते हैं क्योंकि राम की सारी कथा ऋषि वाल्मीकि जी ने बहुत पहले लिख दी और अपने इस महाकाव्य के लिए उन्होंने वरदान लिया था कि जैसा मैंने लिखा है आपको ऐ विष्णु वैसा ही स्वरूप बना करके एक एक चीज को वैसे ही उसका अभिनय करना होगा क्या करना है अभिनय अभिनय मीन एक्टिंग इट इज नॉट दैट ही वाज डूइंग इट ही वाज सपोज्ड ही वाज एस्ट ही वाज रिक्वेस्टेड टू डू दैट वाय क्योंकि ये ऋषि की इच्छा है ऋषि तो वाल्मीकि जी ने यह लिखा है कि पर्णकुटी के भीतर श्री राम सीता को ले गए थे और कहा देवी अब समय आ रहा है जहां अब अभिनय का पात्र तुम्हारा ये होगा कि तुम्हारा तो होने वाला है अपहरण नाउ दिस इज द ब्यूटी ऑफ श्री राम लाइफ दैट ही न्यू दैट सीता विल बी किडनैप्ड एंड सीता नोस आई विल बी किडनैप्ड किसी भूल में मत रहिए आप लोगों का सबसे बड़ा दोष यह है कि आपने अपने ग्रंथ को कभी हाथ में लेके खुद पढ़ा नहीं है मैं तो वेदांत पढ़ाती हूं मैं तो योग पढ़ाती हूं पतंजल योग सूत्र पढ़ाती हूं उपनिषदें पढ़ाती हूं यह सोच के कि रामायण तो तुमने पढ़ ही ली होगी पर अफसोस इस बात का है कि तुमने रामायण भी पढ़ी नहीं है जो तो रामेश्वरम में आप आए हो कहते हैं ना अभी सुन रहे थे हरिमिलन जी से कि यहां आकर के पापों का शमन होता है और पश्चाताप अगर कोई करे तो पाप मुक्त होता है तो सुनो मैं छोटी मोटी बातों में नहीं जाती कि झूठ कितने बोले और ठगी कितनी करी और जीएसटी पे नहीं करते हो हाँ और तुम इनकम टैक्स की भी चोरी करते हो और इनकम टैक्स पूरा नहीं भरते हो गरीब की भी चोरी कर जाते हो रिक्शा वाले से लड़ जाते हो उस गरीब से आप भाव तोल करते हो पर आप ही जब किसी डायमंड के दुकान में जाके हीरा सोना चांदी खरीदते हो तो वहां अगर वो कह दे के इतना है तो उतना ही देते हो आप किसी डिजाइनर लेबल दुकान में चले जाओ तो तुम शर्म से मर जाओ पर कभी ना कहो कि डिस्काउंट दे हम लोग कल जब मदुराई से निकले एक छोटी सी बात कहती हूँ मेरे निजी जीवन की जो कुछ बातें हैं वो मैं इसलिए कहती हूँ कि शायद वो तुम्हारे किसी काम आ जाए और शायद तुम उसको अपने जीवन में ले आओ आप जो सब लोग तकरीबन मदुराई और कई लोग कन्याकुमारी इत्यादि दर्शन करते हुए यहाँ आए हैं तो यहाँ की उत्तम शिल्प कला को तो आपने देखा ही है कला के हम बड़े भक्त हैं तो मेरे चित्त में यह आया कि हम आश्रम के लिए यहाँ से कुछ मूर्तियाँ और लेकर के चलते हैं तो मदुराई से यहाँ निकले तो ख़ास हम उस इलाके में गए जहाँ ये शिल्पकारों की उनको टेंपल स्कल्पटर्स बोलते हैं वो मंदिर के लिए ही वो बनाते हैं वहाँ पर गए वहाँ एक गणेश पसंद आए बहुत प्यारे और एक हमको वहाँ पर वीरभद्र जी बड़े प्यारे लगे वीरभद्र शिव का ही स्वरूप है जब वो लड़ते हैं जब वो युद्ध करते हैं और तलवार हाथ में पकड़ते हैं तो ये शिव का ही अंश अवतार होता है याद रहे तुम्हारे तो भगवान भी तलवार हाथ में पकड़ के चलते हैं क्योंकि जहाँ कहीं राक्षसों से युद्ध करना पड़े तो वहां उनको हम फूल थोड़ी देंगे कि भैया मारो मत और तुम अधर्म मत करो कहा उस राक्षस के लिए तो बाण भी चाहिए तलवार भी चाहिए तीर भी चाहिए भाला भी चाहिए तो ये लिए आदत होती है स्वभाव होता है कभी ख्याल में भी नहीं होता तो हमारे साथ जो थे तो उन्होंने धीरे से पूछा कि कुछ कम करोगे ठीक है आदत होती है वो तो कभी कभी लगता है कि कहीं जायदा ही ना ले रहा हो तो मैंने उनको रोका मैंने कहा ना उन्होंने दोनों मूर्ति का शायद तीस हजार बोला मैं ये तीस हजार कहे ना तो एक रुपया कम नहीं करना उल्टे उसको हम हजार रुपया और ज्यादा देंगे <laughs> क्यों क्यों देंगे सड़क किनारे लोहे की टीन के नीचे चार बलियां लगा के वो बैठा एक समय में राजा महाराजा थे इस देश में वो उनसे लेते थे शिल्पकारों का बड़ा आदर होता था उनको बड़ा इनाम मिलता था उनको बड़ा काम मिलता था अब राजा रहे नहीं हमारे इस देश के उत्तम शिल्पकारों की रोजी रोटी कैसे चलेगी अगर हम उनके हाथ की बनी मूर्ति याद रहे मूर्ति में भगवान नहीं मैंने करोड़ों बार कहा है तुम्हें वो बात तो याद रह गई पर तुम्हें ये बात याद नहीं रही जब मैंने कहा हर मनुष्य का शरीर भगवान की ही मूर्ति है हर मनुष्य का देहस्याराम मैं सब जग जानी कर हूँ प्रणाम जोर जुग पानी